यार बहुत तेज प्यास लग रही है। 2 मिनट रुक, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। भाई एक बॉटल पानी देना। हम जब भी बाहर होते हैं और हमें प्यास लगती है तो हम ऐसे ही प्लास्टिक की बोतल में पानी खरीद लेते हैं और पी लेते हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? पानी पीने में कुछ गलत नहीं है, पर ये प्लास्टिक जो हमारे पानी के साथ करता है वो काफी गलत है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली फैक्ट्रीज में जब पानी को इन बॉटल्स में पैक किया जाता है तब से हमारे पास इन बॉटल्स को आते आते काफी समय लग जाता है, और फिर कंज्यूम करने तक इस पानी को प्लास्टिक में पड़े पड़े 2 से 3 महीने तक लग सकते हैं। और इतने लंबे टाइम तक जब ये पानी प्लास्टिक की बोतल में पड़ा रहता है तो इससे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि जब पानी को ज्यादा टाइम तक प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं तो ये पानी एसिडिक इन नेचर हो जाता है। ये पता चलता है पीएच वैल्यू से। तो पहले समझते हैं कि पीएच वैल्यू होता क्या है। पीएच वैल्यू या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एक स्केल है जिसको किसी भी चीज के नेचर को पता करने के लिए यूज किया जाता है कि वो चीज एसिडिक है, बेसिक या न्यूट्रल। और एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 तक का हो सकता है, जो कि न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन होता है। पर जब 3 से 4 मंथ्स प्लास्टिक में पड़े पानी को नापा गया तो उसकी पीएच वैल्यू अराउंड 4 थी, विच इज एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए काफी खराब होता है। इस तरह की बॉटल से BPA यानी बिस्फेनल ए नाम का एक इंडस्ट्रियल केमिकल रिलीज होता है, और फिर जब हम इस वाटर को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी एंड इवन इनफर्टिलिटी। और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार हम इन प्लास्टिक की बॉटल्स को अपनी गाड़ी में या बाकी जगहों पे रख के भूल जाते हैं। फिर जब ये बॉटल्स धूप के कांटेक्ट में आके गर्म हो जाती हैं, तब इनसे एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है डायोक्सिन। इस टॉक्सिन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर जैसे सीरियस डिसीजेस भी हो सकते हैं। और ये प्लास्टिक की बॉटल्स जिन्हें हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, क्या आपको पता है कि वो किस अमाउंट में नेचर में ऐड हो रही है? रिपोर्ट्स के हिसाब से हम 40 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स हर महीने, 1.3 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स हर दिन, 54.9 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स हर घंटे और 1 मिलियन यानी 10 लाख बॉटल्स हर मिनट खरीदते हैं। अब जरा सोचिए कि ये बीमारियां हम में कितनी तेजी से फैल रही होंगी। हाँ, तो मार्केट में और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना? दैट्स ट्रू। मार्केट में ऑलमोस्ट सारी वाटर बॉटल्स प्लास्टिक में ही आती हैं, पर ऐसे में हम अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। इससे नेचर में प्लास्टिक ऐड तो नहीं होगा, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। पर ये बॉटल हर जगह पर कैरी करना कन्वीनियंट नहीं है। अब ये हमारी चॉइस है कि हमें कैंसर, डायबिटीज और इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों को अपने अंदर डालना है, या फिर इस छोटी सी इनकन्वीनियंस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। तो हमें कौन सी बॉटल में पानी पीना चाहिए? अब मार्केट में कई तरह की रीयूजेबल वाटर बॉटल्स मिल जाती है, जैसे ग्लास बॉटल्स, स्टील बॉटल्स और इवन कॉपर बॉटल्स। ये बॉटल पानी को एसिडिक इन नेचर नहीं बनाती, और कॉपर की बॉटल के तो हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इनमें से किसी भी बॉटल को आज ही ऑर्डर करें और एनवायरनमेंट और अपनी बॉडी को इस हार्मफुल सब्सटेंस से बचाएं। तो अगर आपको प्लास्टिक बॉटल का कोई नया अल्टरनेटिव पता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये नॉलेज जरूर शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा उतनी ही जल्दी हम इन बीमारियों को अपने अंदर जाने से बचा पाएंगे। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।